हे गाइस, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो थोड़ी सी नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है। तो बता दो इस वीडियो में कि पहले तो आप हेडफोन लगा लेना, क्योंकि इसमें जो मैं थोड़ी क्लिप यूज़ करूँगा थोड़ी सी उसमें 18+ बातें होने वाली हैं। तो हेडफोन लगा लेना, ईयरफोन जो भी है आपके पास। तो आज जो है इग्नाइट भाई गुस्सा हो गया लाइव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे जो है मतलब गेम की बात को गेम तक ना रख के जो है मतलब पर्सनली लेके जाते हैं। क्या आपको पता है वो गेम के अंदर इमोट वगैरह दिखा दिया जाता है, टारगेट वगैरह कर दिया जाता है, थर्ड पार्टी भी हो जाती है जो कि गेम का पार्ट हो, करनी भी चाहिए। और अगर आपको गेम जीतना है तो आपको हर एक मतलब चीज़ करनी पड़ती है जो आपको गेम जिता सकती है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो हो रहा था कि एक दो दिन से या फिर एक दो टूर्नामेंट्स के अंदर वर्ल्ड ऑफ बैटल जो है मतलब थर्ड पार्टी के लिए या फिर ब्लू जोन को टारगेट करने के लिए जो है टीएम के ड्रॉप पॉइंट पे, मोस्टली कह सकते हो कि टीएम का और वर्ल्ड ऑफ बैटल का थोड़ा सा ऐसे ही मतलब फ़नी टाइप हो गया था कि इमोट वगैरह दिखा दिया, थोड़ा टारगेट वगैरह सीन हो गया था। तो जिसकी वजह से प्लेयर्स को कोई दिक्कत नहीं थी उसको, क्योंकि प्लेयर्स इग्नाइट भाई ने, मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा कि कहा था कि फौजी भाई का डिलीट का और वर्ल्ड ऑफ बैटल के जितने प्लेयर्स हैं बाकी सभी टीम के साथ काफ़ी अच्छा उनका रिलेशन है, मतलब उनको हेट नहीं है। बस वो गेम का पार्ट जो रहता है कि टारगेट करना है, इमोट वगैरह दिखाना, तो वो गेम तक ही रहता है। ऐसे उनको पर्सनली किसी को भी हेट नहीं देते वो। बट कुछ बंदे होते हैं ऐसे जो फालतू में हेट स्प्रेड करते हैं कि आपने कैसे दिखा दिया, ऐसे औकात की बात, ऐसे मतलब काफ़ी सारे हेट कमेंट देते हैं। जिसके ऊपर जब हर्ष भाई लाइव कर रहे थे आज टूर्नामेंट का, तो इग्नाइट भाई होते हैं पैरेलल पे, तो जब ये कमेंट देखते हैं कि ऐसा फालतू में हेट दे रहे हैं कि कैसे इमोट दिखा दिया, कैसे टारगेट कर देते हो तुम, ये सब, तो उसके ऊपर इग्नाइट भाई गुस्सा हो गए। काफ़ी कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया, बहुत सारी बात उन्होंने बोली, क्योंकि वो भी मतलब काफ़ी मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लगे, एक दो कमेंट्स नहीं बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लगे। मोस्टली चैट जो है वही चल रही थी। एंड जनरल बात ये होती है ना कि प्लेयर्स तो जानते हैं कि जो जो इन गेम रिवाइवलरी होती है वो इन गेम ही होती है, वो बाहर नहीं होती। बट जो फैंस हैं उनको नहीं पता कि प्लेयर्स आपस में कब बातें करते हैं, वो बस प्लेयर्स को देखते हैं सिर्फ टूर्नामेंट के टाइम पे ही। एंड टूर्नामेंट में हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के लिए एनिमी ही होता है, चाहे वो उसका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। तो अब इसके ऊपर इग्नाइट भाई ने क्या कहा, मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ। एंड हेडफोन लगा लें, ईयरफोन लगा लें जो भी आपके पास है, और किसी भी टीम को हेट ना दें। मैं अभी भी यही कर रहा हूँ, सारी टीम्स आपस में अच्छे दोस्त हैं, बस वो है कि गेम का पार्ट है तो गेम में फाइट वगैरह होगी, क्योंकि गेम है तो कोई जीतेगा तो कोई एक ही। अरे वन फाइल लगाऊंगा अभी मैं बॉडी भाई मैच मत में। बोलो, भाई मत बोलो, मत बोलो। अरे भाई जाके काम धंधा करना भाई, माँ बाप ने बहन चो बेरोजगार छोड़ रखा है क्या, या माँ बाप के अब पैसों पे बस पलना कर भाई, जरूरी यार तू क्यों बेचारा है। पी रहा है। तुम काम धंधा है नहीं, चार छह चूतिया पाल ली है, बहन चो गेम खेल रहा है, गेम खेलो ना इज्जत से। सबके सबकी सबकी मदद करने आया क्या बहन चो, इसकी थर्ड पार्टी नहीं करेंगे, उसकी थर्ड पार्टी नहीं करेंगे, ये अपना ये दोस्त है, अपना मरने भाई वाले है, क्या सारे खेल गया हमारा गेम तो। बच गए भाई, बचा भाई सारे। भाई तो इतना डैमेज क्यों आया जो हाँ में मोड़ दिखाया तो दिक्कत है भाई, यार। पता नहीं किस बात को लेकर बैठे रहते हो भाई, डिलीट इमोट दिखा रहा है भाई, दिखाएगा भाई ऑब्वियस से दिखा रहा है, हम क्यों नहीं कुछ दिखाएगा, बोले नहीं, हम कुछ बोल नहीं रहे, कमेंट वो चला कुछ गया बोल नहीं भाई। रहा, तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कत है कि टीएम को मत दिखाओ, उसी को मत दिखाओ भाई, मेरा डिलीट फौजी भाई बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उनसे, वो दिखाएगा इमोट दिखाएगा, गेम का पार्ट है, गेम की बात को गेम तक रखते हैं हम। बहस के अभी अभी बात करके आया हूँ आधे घंटे फौजी भाई से पेमेंट के टॉपिक पे, उसमें मैं आके देख रहा हूँ अलग ही टॉपिक चल रहा है भाई, उसमें इमोट भाई करेंगे थर्ड पार्टी हमारी नहीं होती, गेम खेलने आया हूँ तो बताने आया क्या भाई, जो तू जीत जाते थर्ड पार्टी को बीच में नहीं बोलेंगे, हमारे बीच में कोई कोई रुकता है क्या, हमारी थर्ड पार्टी होती है तो हम पिछले लीडर वाले एमजे पिछले से रेट बराबर, किसने थर्ड पार्टी रोकी फाउंडेशन पे, हैम्पटन से हम पिट रहे हैं, श्राइन से हम पिट रहे हैं, रिफाइनरी से लॉन्च पर लगा के हम पे आ रहे हैं, हम बैंक हल्ला करते फिर रहे हैं। गाइस अब इससे कोई कंट्रोवर्सी मत कर देना, और थोड़ा सा मतलब दिमाग से बड़े हो जाओ। ऐसे छोटी मोटी बातें तुम कर देते हो कि इमोट वगैरह, थर्ड पार्टी वगैरह, टारगेट वगैरह, ये गेम का पार्ट है भाई, गेम में होगा, गेम खेल रहे हैं तो हर चीज़ होगी उसमें। तो आई होप आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा इससे, अगर नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं।